ताज़ातरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर मदीरा कॉलम। नाजरीन, आज तक वतन के सजीले जवानों और बहादुर सिपाहियों की शान में ही तराने लिखे गए थे, लेकिन किसी ने बदउनवानों और सियासतदानों को मौजू नहीं बनाया। आइए देखते हैं एक तराना वतन के बदउनवानों के नाम। मरतबा फिर चलते हैं इस दुनिया के घर और देखते हैं कि वहां पर होने वाली बहस का क्या नतीजा निकला। अब तो एएनपी के असफंद यार वली ने भी कह दिया है कि वो जरदारी साहब की किसी भी गैर आईनी बरतरफी के खिलाफ मुजाहमत करेंगे। मैं मजे की बात यह है कि जरदारी साहब के मीडिया फ्रेंड्स ने उन्हें यह तासर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इसलिए पसंद नहीं करती कि वो इंडिया से दोस्ती की बात करते हैं और बलूचिस्तान में लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, मुशर्रफ ने इंडिया के साथ दोस्ती की बात नहीं की थी? वो तो कहते हैं कि हम लोग मसला कश्मीर के हल के करीब पहुंच चुके थे। हालांकि ये वही मुशर्रफ हैं जिन्होंने कारगिल में इंडिया को चकरा दिया था। और अपने मियां साहब, उन्होंने तो अमेरिका जाके सब कुछ ही। ऐसी बात नहीं है, मियां साहब किसी एडवेंचर के खिलाफ थे। वैसे मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के तमाम मसाइल का हल गुड गवर्नेंस ही था। गुड। वैसे मैम, अब तो जरदारी साहब भी मान गए हैं कि उनकी मकबूलियत कम हो रही है। मैं तो जी उन्हें बड़ा लीडर मानता हूँ। चलो, इसने किसी को तो माना। वैसे प्रोफेसर शौकत, जरदारी साहब को किसी गैर आईनी तरीके से तो नहीं हटाया जा सकता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी इख्तियार है कि वो खास हालात में आर्जी तौर पर फौज को बुला सकती। खैर, वो तो डीसीओ के पास भी इख्तियार है, वो अमनो मान के सिलसिले में फौज तलब कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो जमहूरियत आई है। आप जमहूरियत की कमर्शियल ब्रेक को खत्म करने की बातें कर रहे हैं ताकि सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू हो जाए जहां से फनी खराबी के बाइस खत्म हुआ था। देखिए, नया साल सियासतदानों के लिए चाहे जैसा भी हो,
मगर पाकिस्तानी कौम के इस अज़्म का इजहार होगा कि अब वह मजीद ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपका हम ख्याल हूं, मेरा इल्म भी यही कहता है। ये एक दूसरे की नकल तो नहीं मार रहे? फिलहाल तो कौम मसाइब में घिरी हुई है, जिस तरह मैं आप लोगों में घिरा हुआ हूं, लेकिन मैं घिरा हुआ नहीं हूं। Well, आप दोनों के तज्जी अपनी जगह पर, मगर अदलिया बहाली की तहरीक, NRO की पार्लियामेंट में शिकस्त और आजादाना अदालती फैसले पाकिस्तानी कौम के उस सफर का आगाज है जो बिलाखिर उसे मुहज्जब और तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में ला खड़ा करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ। इंशाल्लाह।